स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र की अगुवाई करेंगे, जहां संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी और दुनिया भर से आए व्यक्ति इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं भारत में भी धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम आपको बताते हैं आखिर क्यों ये योग दिवस मनाया जाता है। बता दें कि दुनिया भर में योग दिवस को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग की रखी गई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 से हुई थी। बता दें कि 21 जून साल 2015 को पहली बार पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया था, जहां साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी गई, जिसके बाद इसको स्वीकार किया गया और इसके बाद 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां योग हमारे भारत की पहचान है, जो कि कई सदियों से भारत में किया जाता है और भारत का पहले ही योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है, जिसके बाद इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो बात करें योग दिवस पर यूपी की, जहां यूपी में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली है। जहां यूपी में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगासन किया है, तो वहीं तस्वीरें आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से योगासन किया जा रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां यूपी में कई जगहों पर योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हर जिले में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरें गोरखपुर से सामने हैं, गाजियाबाद से हैं, मुजफ्फरनगर में भी योग दिवस कार्यक्रम का मनाया गया, जहां बागपत की तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, जहां बागपत में भी योग दिवस कार्यक्रम पर सभी लोगों ने योगासन किया है। तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के ऊपर गोरखपुर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शहर से लेकर गांव तक आत्मदेह में डूबा हुए हर कोई मंजर नजर आया, जहां गोरखनाथ मंदिर से होकर लेकर जगह जगह सभी जगह इस दौरान शिविर लगाए गए। बता दें कि सुबह गोरखपुर के लोगों ने योग अभ्यास कर निरोग रहने का संकल्प लिया, जहां मुख्य आयोजन गोरखनाथ मंदिर में किया गया। योग दिवस पर सुबह 6:30 बजे गोरखनाथ मंदिर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से योग किया गया। सीएम के साथ साथ सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित पुलिस और प्रशासन के अफसर भी योग अभ्यास करते दिखाई दिए। वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी परिसर, कॉलेज, स्कूल और मदरसों में पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के कैंप्स, पार्कों, कॉलोनियों, हाउसिंग सोसाइटियों के साथ साथ थाने और सरकारी विभागों के कार्यालय से भी हर जगह लोग योग अभ्यास करते दिखाई दिए। जहां योगा कर रहे लोगों का कहना है कि योग सुंदर जीवन जीने का मार्ग है और हम सबको अपने शरीर को निरोग रखने के लिए रोजाना योग अभ्यास करना चाहिए। ऐसी ही तस्वीरें मुजफ्फरनगर से भी सामने आई, जहां योग की महत्वता को समझते हुए पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की तरफ से योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां तमाम अधिकारी के साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बीजेपी के नेताओं ने योग स्थल पर पहुंचकर योग अभ्यास किया है। तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से योग अभ्यास का एक आयोजन डीएवी कॉलेज के मैदान में किया गया, जिसमें बूढ़े बड़े बच्चे सभी अधिकारियों और नेताओं ने भाग लिया, जहां योग अभ्यास का लाभ उठाया। योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल सहित बीजेपी नेता और जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के लिए ने भी योग किया, जहां श्रेय का लाभ उठाया। इस दौरान योग कार्यक्रम में समाज सेवी, स्कूल छात्रों और जिले के तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी योग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया है कि 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सभी देशों में आह्वान किया था, जिसके बाद योग दिवस हर जगह मनाया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बागपत से भी सामने आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम शुरू किया गया। यहां बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह
और पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक इस कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि बड़ौत की जनता वैदिक डिग्री के मैदान में योग के कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां गाजियाबाद में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि गाजियाबाद में जिला प्रशासन की तरफ से एक निजी कॉलेज में योग दिवस के आयोजन पर सैकड़ों लोगों की तरफ से योग किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, इसके अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और सभी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया है। इस योग दिवस पर आम जन से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपील भी की गई, जहां सभी की तरफ से पूरी यूपी में योग किया गया। बता दें कि यूपी में मुजफ्फरनगर, बागपत, गोरखपुर में सभी जिलों में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बीजेपी और सभी नेता योगासन करते हुए नजर आए। बीजेपी के आला अधिकारी, बीजेपी के पदाधिकारी इस दौरान योग करते नजर आए। सीधी तस्वीर गोरखपुर पे ले चलते हैं, जहां गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की तरफ से योग अभ्यास किया गया है। आइए बताते हैं क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ और बाकी बीजेपी के पदाधिकारियों ने। योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने, यानी हजारों वर्षों की ये परंपरा हम सबकी विरासत का हिस्सा है। हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हजारों वर्षों से जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं, वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आप इस बात को महसूस करते होंगे कि दुनिया के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस एक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सभी भाई बहनों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। योग आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर शर्माने हुआ है। 2014 में 177 देशों ने भारत के योग के प्रस्ताव पर समर्थन देकर इस बात को साबित कर दिया कि योग केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ के आज के जीवन में योग हमारे जीवन का हिस्सा है। स्वस्थ रहने के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, हर परिवार के स्वस्थ रहने के लिए योग को हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए योग हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी एक ऐसा कार्य है जिसे हम सबको करके अपने आप को भी, अपने समाज को, देश को स्वस्थ रखना। आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। नौ वर्ष पूर्व माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सब लोगों से आह्वान किया कि योग दिवस मनाना है, और हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माने प्रधानमंत्री के आह्वान पर दुनिया के 177 कंट्रीज आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सहभागिता कर रहे हैं। इस समय मुजफ्फरनगर में हम डीएवी कॉलेज में हमारे जिलाधिकारी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्मल जी हैं, जी शुक्ला जी हैं, और तमाम यहाँ पे समाज सेवी संस्थाएँ और विद्यार्थी यहाँ पर हैं। बाबा रामदेव जी की संस्था के द्वारा और एन रविशंकर जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और सब लोग योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मानसिक शांति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और एक तरीके से वसुधैव कुटुंबकम सारे समाज को एक साथ जोड़ने के लिए योग बहुत जरूरी है, और हम सब लोग प्रसन्न रहें प्रसन्नता के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया समेत देश भर में लोगों ने योगाभ्यास किया है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर में योगाभ्यास किया गया। इस दौरान अमेरिका में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से योगाभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर संबोधन भी किया गया है। बता दें कि इस दौरान देश में सेना की तरफ से भी लगातार योगाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी न्यूज़।